हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड वर्ड पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सब दोस्तों आपको पता ही कि 2 दिन तक वीडियो मेरा आ नहीं पा रहा चैनल पे। लेकिन 2 दिन पहले मेरे चैनल पे मैंने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पेटीएम पे आपको मर्चेंट आईडी एंड मर्चेंट की कैसे जनरेट करनी है। कैसे दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम पे जो पेटीएम काफ़ी अपडेट होने के कारण आप पेटीएम बिजनेस में मर्चेंट आईडी तो आपको मिल जाती है लेकिन आप मर्चेंट की वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा। जितने भी अभी मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा किन किन लोगों के साथ एक्चुअली ये घटना हो चुकी है। क्योंकि पेटीएम पहले क्या करता था, आपको मर्चेंट की ईजिली प्रोवाइड करता था। लेकिन इस टाइम पे क्या है, अगर आपको मर्चेंट की चाहिए पेटीएम से, पेटीएम के बिजनेस अकाउंट में दोस्तों आपको पता है कि अकाउंट पर क्रिएट करना पड़ता है, वहाँ पर पूरी KYC फुल अप करनी पड़ती है। फिर एक्टिव अकाउंट करने के लिए अगर आपको लाइव API चाहिए, टेस्ट API में दोस्तों आपको मर्चेंट की मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लाइव API चाहिए तो आपको मर्चेंट आई एट द टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको जो की रहता है मर्चेंट की वो आपको नहीं मिल पा रही है। नहीं मिलने का कारण ये है कि अब वहाँ पर अपडेट इतना आ गया दोस्तों, अब आपको वहाँ पर GST नंबर, आपका बिजनेस का पैन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आपको कौन सा बिजनेस है आपका, आप मतलब पार्टनर पे हो, प्राइवेट लिमिटेड, काफ़ी सारी ऐसी जो फॉर्मेलिटी है जो फिलअप करने के बाद आपको मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन के बाद मर्चेंट की वहाँ से मिलता है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो, अगर नहीं है दोस्तों तो वहाँ से भूल जाइए। कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ेगा, इवन कस्टमर केयर का नंबर भी नहीं मिल पाता है पेटीएम का जिससे आप जल्दी बात कर पाए। तो काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम है जो पेटीएम पे अभी इस टाइम पे चल रहा है, जो आपको भी काफ़ी ज़्यादा सता रहा है कि कैसे हम मर्चेंट की को वहाँ से जनरेट कर पाए जिसके कारण हम टूर्नामेंट एप्लीकेशन पे हमारे कस्टमर से अर्निंग कर पाए। टूर्नामेंट एप्लीकेशन दोस्तों को पता ही होगा, ना जाने कितने लोगों ने टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवाया है। अभी तो 4G ऐप भी पता ही आपको दोस्तों कि लॉन्च हो गया है जिसमें पबजी जैसा तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने कहना चाहूँगा। तो इस पर अगर मैं बोलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप एक बार डाउन करके जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों टूर्नामेंट की हम बात करते हैं। टूर्नामेंट एप्लीकेशन दोस्तों इस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। स्टार्टिंग में टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा ही चल रहा था क्योंकि उस टाइम पबजी था, पबजी गेम आने के कारण टूर्नामेंट का जो क्रेज़ था काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि आपको पता है कि पबजी टूर्नामेंट वो तब बहुत चला था। तो दोस्तों अगर आप टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवाए हैं या बनवा लिए हैं या बनवा रहे हैं तो दोस्तों अब आप आपको इस चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पेटीएम आप उसमें यूज़ नहीं कर पाओगे। हमने उसका दूसरा सॉल्यूशन निकाल लिया कि आप कस्टमर से कैसे उसमें पेमेंट लेके अपने एप्लीकेशन से अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपने टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवाया है, उसमें पबजी है, फ्री फायर है, क्लैश ऑफ क्लैन है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, मल्टी टूर्नामेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, आपने किसी डेवलपर से भी टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवा लिया, लेकिन जब तक उसके अंदर आपको आपके जो यूज़र्स रहते हैं आपका और आपको पेमेंट कर रही है, पेमेंट आपके एप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, आपके वैलेट में नहीं आ रहा है, तब तक दोस्तों उस एप्लीकेशन का आपको जितना ही बना टोटली वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट ऑफ मनी बोलेंगे उसको, क्योंकि आपने जो पेमेंट वाले जो टूर्नामेंट का किया है। ठीक है, मेरे कस्टमर ने भी मुझे किया था, उनने मुझे बताया था सर हम पेटीएम पे जा रहे हैं लेकिन वहां पे मर्चेंट आईडी मिल जा रही बट मर्चेंट की नहीं मिल पा रहा उन लोग को। मैंने भी एक दिन उस पर अगर टेस्ट किया, मैंने भी कस्टमर केयर को मेल किया, यानी कि उस पर कंपलसरी कर दिया गया अगर आपका GST नंबर है, पैन नंबर है, आधार कार्ड है, वॉट एवर जो भी फॉर्मेलिटी उनकी कंपलसरी चाहिए, उसके बाद ही आपको मर्चेंट की मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों हमने 2-3 दिन के अंदर मतलब 1 वीक हो चुका है अभी तक, तो फिलहाल हमने क्या किया है कि हमने उसके अंदर एक सोल्यूशन निकाल दिया कि कोड करेंगे, हमने कोडिंग की है। तो अब उसमें कोडिंग ये किया कि मान लीजिए आपने अगर कोई भी टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवाया वो पेटीएम का मर्चेंट की नहीं मिल पा रहा है, तो हमने अभी ढूंढा है, बाकी डेवलपर बोल नहीं सकता हूँ, उनने कुछ अलग सोल्यूशन निकाला होगा तो वेरी गुड रहेगा वो। तो दोस्तों हमने क्या निकाला है कि मान लीजिए अगर आपका पेमेंट आपको कस्टमर से लेना है तो जो आपका UPI आईडी है या फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जिसकी भी UPI आईडी हो गई, ठीक है, तो उस UPI आईडी को मान लीजिए फ़ोन नंबर है, लास्ट में @YBL होता है फ़ोन पे का, तो उस UPI आईडी को हम लोग क्या किए कि हमारा जो जावा का जो कोड है उसमें इनक्रिप्ट कर देंगे, कोड कर देंगे। कोड करने के बाद वो कोड वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, हमने टेस्टिंग करके देखा है, टेस्ट भी प्रॉपर अप हो रहा है, जिनको भी हमारे कस्टमर का प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन वो सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व कर देंगे हम लोग, क्योंकि वो एकदम सक्सेसफुल हो गया हमारा जो टेस्ट था। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर आपका जो UPI आईडी है उस UPI आईडी को हम अपने कोड में डालेंगे, उस कोड फिर आपको बिल्ड करके APK दे देंगे। और कस्टमर आपको पेमेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर मेरे फ़ोन में सिर्फ फ़ोनपे है तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ फ़ोनपे से ही पेमेंट कर पाऊंगा, आपके सीधा जो UPI आईडी आपने दिया है डेवलपर को सीधा उसमें ही पेमेंट आएगा। मान लीजिए मेरे फ़ोन में गूगल पे है, फ़ोनपे है, भीम UPI है, उसके बाद मेरा अकाउंट मान लीजिए HDFC में, जितने भी मेरे पेमेंट गेटवे रहेंगे, मेरे एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में रहेंगे, वो सारे ऑप्शन वहाँ पे खुल जाएंगे पेमेंट के टाइम पे। मान लीजिए मेरे फ़ोन में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फ़ोनपे का, तो फ़ोनपे दिखेगा। मान लीजिए मेरे फ़ोन में गूगल पे, फ़ोनपे,
पेटीएम, ये तीन एप्लीकेशन जब मैं आपको पेमेंट करूंगा आपके एप्लीकेशन में ऐड मनी करूंगा तो ये तीनों ऑप्शन मेरे को वहाँ पे शो करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा सीधा आपने जो यूपीआई आईडी दिया सीधा उसमें पेमेंट चल जाएगा और दोस्तों आपका एप्लीकेशन वहाँ से रन होना चालू हो जाएगा और आपको पेमेंट भी आना चालू हो जाएगा। काफ़ी लोगों को दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी ऐसे सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि पेटीएम पे मर्चेंट की नहीं मिल पा रहा दोस्तों, तो हमने वहाँ से पेटीएम का फ्लो ही हटा दिया है, अब सीधा हमने यू पी आई आईडी का कोड कर दिया है जिसको आपको काफ़ी इजीली पड़ जाएगा। अपना इसमें झमेला रहेगा कि आपको पेटीएम बिजनेस क्रिएट करना है उस पर आपको KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मर्चेंट की मिलेगा, उसके बाद आपको पेमेंट आएगा। ये हम फ्लो को दोस्तों जो इतना लंबा फ्लो उसको कट करके सीधा शॉर्टकट में हमने आपकी यू पी आई आईडी क्रिएट कर दी गई है और जो दोस्तों हमने टेस्ट भी किया है तो प्रॉपर टेस्ट अभी चल रहा है। तो दोस्तों जिसको भी टूर्नामेंट के एप्लीकेशन बनवाना है या किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप हमें फोन कीजिए, मेरी टीम के साइड से दोस्तों आपको सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों मेरी टीम आपको बता देगी क्या करना है क्या और क्या नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।